अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज हम बना रहे हैं चिकन बोटी रोल, जिसकी रेसिपी ये है। 150 ग्राम ली हूँ चिकन, 150 ग्राम। अब उसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन और हमारे डालेंगे सूखे मसाले कुछ, ये लाल मिर्ची पाउडर 1/2 चम्मच। हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच धनिया, 1/2 चम्मच से भी कम हल्दी, थोड़ा सा 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और हम डालेंगे 1 चम्मच बड़ा भर के दही। ये मसालों को हम और टेस्ट के हिसाब से डालेंगे नमक भी। मसालों को हम अच्छे से मिलाएंगे। ये टेस्ट के हिसाब से हम डालेंगे इसमें नमक और हम इसको 1/2 घंटा मिला के अच्छे से रख देंगे। फिर अब हम इसके पराठे बनाने की तैयारी करेंगे। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने ली हूँ 1/2 किलो मैदा। अब हम इसमें डाल रहे हैं टेस्ट के हिसाब से नमक और हम डालेंगे थोड़ी सी 1/2 चम्मच शक्कर और हम 1 चम्मच डालेंगे इसमें दही। 1 चम्मच हम डाल रहे हैं इसमें दही, बड़ा भर के 1 चम्मच दही डालेंगे इसमें और इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल और अब हम इसका सॉफ्ट सा आटा गून के रख देंगे। आप चाहे तो इसमें एक अंडा भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ। मैं 1/2-1/5 घंटा आटा रखती हूँ तो वो सॉफ्ट हो जाता है। अब इसका अच्छा सा डो बना के हम साइड में रख देंगे। हमारा आटा गून के रेडी हो गया। अब मैं इसमें ज़रा सा ऑयल लगा के इसको अच्छे से ऑयल लगा के रख दूँगी। इसको हम 1/2-1/5 घंटा रेस्ट करने रखेंगे। देखिए अब मैं इसको ढक के अच्छे से रख दूँगी। ये हमने मसाला लगा के रखा था, इसको 1/2 घंटा हो गया। मैंने तेल गरम करी हूँ, इसमें डाल के हम हमारी बोटी पका लेंगे अच्छे से। ये मैंने छोटे छोटे पीस में काट लिए थे, हम इसको पकने रखेंगे। हम इसमें 1/2 कप पानी डालेंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। ये देख सकते हैं आप, मैंने मसाला लगा के इसको 1/2 घंटा रखी थी, अब ये बन रही है। और अब इसको हम ढक के रख देंगे 1/2 कप पानी डाल के। अब मैं इसमें पानी डाल दे रही हूँ ताकि ये अच्छे से गल जाए और अच्छे से एकदम टेंडर होके पक जाए। इसमें कुछ भी नहीं डालना है, जो मसाले हमने लगाए थे बस उसी के साथ इसको पकने रख देना मीडियम फ्लेम पे। 10 से 12 मिनट में ये पक के रेडी हो जाएगा। अब इसको हम करते हैं कवर ताकि ये पके और फिर हम अपना आटा देख लेते हैं। ये देखिए, अब मैं इसके छोटे छोटे बॉल बनाऊँगी आटे की, फिर हम पराठे बेलेंगे हमारे। बस ये हमारे चिकन बन के रेडी हो गया। बस 2 से 4 मिनट और इसका पानी सुखा लेंगे। ये हमारी चिकन अच्छे से गल गई है, आप देख सकते। बस अब हम इसका गैस करेंगे बंद और हम अपने पराठे बनाएंगे। पराठों के अंदर की सॉस, जिसमें मैंने डाली हूँ थोड़ा सा केचप और थोड़ा सा 4 बड़े चम्मच मेयोनीज, कि अच्छी सी हम डिप बनाएंगे। 1/2 चम्मच सोया सॉस, 1/2 चम्मच सोया सॉस डाले। अब हम 1/2 चम्मच डालेंगे इसमें रेड चिली सॉस डालेंगे और डालेंगे 1/2 चम्मच से भी कम थोड़ा सा विनीगर, नहीं तो खट्टा हो जाएगा। बस ज़रा सा, ये हमारी अच्छी सी डिप बन के रेडी हो जाएगी। इसको अच्छे से मिक्स करना है आपको। ये मिक्स कर लिए और एक ये मैंने पुदीने और धनिया की चटनी के साथ दही को पीसा, इसके एक डिप बनाई हूँ मैंने। ये आप सॉस के साथ भी डाल, मैंने 2 डिप बनाई हूँ, एक ये मेयोनीज वाली और एक हरी चटनी वाली। अब हम मैं आपको पराठा बनाना बताती हूँ। ऐसे बॉल बना के रख ली हूँ, अब मैं पराठा बना रही हूँ। मैंने तवा गर्म होने रखी हूँ, एकदम सिंपल पराठे हैं, एकदम सिंपल पराठे एकदम बना रही हूँ। खाली इसको बेलना है आपको रोटी के जैसा, लेकिन इसका आटा आप पहले से गून के रखेंगे तो आटे पराठा अच्छे बनेंगे। ये एकदम ये देखिए, ये हमारा तवा गर्म हो गया है, इस पे डालेंगे अच्छे से
एकदम हल्का सेकना है इसको। तो पल को हल्का सा सेकना है बस। ये देखिए व्यूअर्स, इसको हम हल्के हल्के हाथ से सेकेंगे ऐसे करके और ऐसे पलट लेंगे। ये देखिए बस आपको ऐसे ही पराठे हल्के हल्के सेक के बनाना है। ये देखिए मैंने सब पराठे बना के रख लिए, बस हमारे ये रेडी हो गए पराठे। बस हमारे पराठे बनके रेडी हो गए। अब मैं आपको बताती हूँ इसको हम कैसे सब मिक्स करेंगे। पहले हम डालेंगे हमारे जो हमने चिकन टिक्का बनाया है इसमें। आप बनाइए, खाइए और बताइए कि कैसा बना। अगर आपको मिंट की चटनी चाहिए तो आप ये डाल सकते हैं। और थोड़ा सा हम सॉस डालेंगे इस पर। और ये मैंने इसमें प्याज में नींबू नमक मिला के रखी थी, ये हम इसमें प्याज डालेंगे ऐसे जितनी आप लोगों को चाहिए। थोड़ी सी हम इसमें हमने जो अपनी मेयोनीज़ वाली सॉस बनाई थी, अब हम इसको से रोल कर देंगे। आप ये बनाइए और खाइए और मुझे बताइए कमेंट्स में कि कैसे आपको लग रहे हैं। एकदम जब बन के रेडी हो गए, आप लोग इसे घर पे बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसे लगे। आप दोनों चटनी डाल सकते हैं, हरी भी और लाल वाली भी। रेडी हो गए, आप देख सकते हैं कितने अच्छे बने हैं और कितने जूसी लग रहे हैं। आप बनाइए, खाइए घर पे और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।